हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर कर रही हूँ। बारिश का मौसम है तो इस मौसम में ना कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, कांकरो, छोटे छोटे से जीव जंतु, कीड़े बहुत सारे हमारे घर में आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता ये कब घर में आ गए और गंदगी फैलाते हैं। कांकरोच तो ऐसे होते हैं जो किचन में थोड़ा सा भी गंदा हो ना और वो आ जाते हैं, और यदि घर में एक कांकरोच आ गया ना तो उनको बहुत सारे कांकरोच बनने में टाइम भी नहीं लगता। तो फ्रेंड, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ ना कि कांकरोच या कोई भी कीड़ा जीव जंतु कुछ भी हो, आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे, कभी आपके घर में आएंगे ही नहीं। तो चलिए, इस तरीके की टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे सारे कांकरोच और कीड़े मकोड़े हमेशा के लिए साफ़ हो जाएंगे। तो बस करना हमें क्या है ना, हम लेंगे आटा, ये वही आटा है जो घर में हम यूज करते हैं ना रोटी बनाने के लिए, और इसके बाद हम लेंगे दही, तो ये एक चम्मच दही ले लेंगे, और इसके बाद हम लेंगे शक्कर, एक चम्मच शक्कर ले लेंगे, और फिर लेंगे हम ये बोरिक एसिड पाउडर। तो ये वही बोरिक एसिड पाउडर है जो अनाज में डालते हैं जिससे कीड़े मकोड़े नहीं होते ना, तो बस इसको हम एक चम्मच ले लेंगे। सारी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स करके इसके छोटे छोटे से गोले बना के कर लेंगे हम तैयार। और अब हमें करना क्या है ना कि यहाँ पर देखेंगे कि कॉकरोच या छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े हैं तो उस स्थान पर हम इसको रख देंगे। कई बार क्या होता है ना कि किचन की दराज में या सिंक में, वाशबेसन में, यहाँ जहाँ पर गंदगी होती है ना उस स्थान पर इनका अटैक ज़्यादा होता है, तो उस स्थान पे हम इसको रख देंगे। और फ्रेंड, आप देखिए बिल्कुल आश्चर्यजनक रिजल्ट आपके सामने आएगा, दूसरे दिन ही इनका खात्मा हो जाएगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कीड़े मकोड़े चले कहाँ गए। और दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो तरीका है डिटॉल। डिटॉल या जो डॉक्टर फिनाइल होती है ना उसका यदि हम डेली घर में पोंछा लगाएं ना तो इससे भी कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि घर में जब पोंछा लगता है ना तो डिटॉल का या फिर फिनाइल का हमें डेली यूज करना चाहिए, तो घर में साफ सफाई भी बनी रहती है और खुशबू भी अच्छी आती है। और इसके बाद मैं आपको तीसरा तरीका शेयर कर रही हूँ, वो तरीका है नमक, जो हर घर में किचन में मौजूद होता है। ये नमक है ना बहुत यूजफुल होता है फ्रेंड, बहुत काम की चीज़ होती है। यदि इससे हम डेली घर में पोंछा लगाते हैं ना तो घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, चूहे, सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो ये बहुत यूजफुल टिप्स है फ्रेंड, यदि घर में डेली हम नमक से पोंछा लगाते हैं ना तो घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है, सारे कीड़े मकोड़े दूर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चौथी टिप्स, वो है तेज पत्ता। तो तेज पत्ता तो फ्रेंड हर किचन में ही होता है, हर घर के किचन में तेज पत्ता होता है, ये खाने की चीज़ों में यूज होता है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद ये है कपूर, इसमें भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस हमें करना क्या है ना कि रोज़ एक कपूर और एक तेज पत्ता को इसके ऊपर रख के जला देना है, तो इसकी जो खुशबू आएगी ना और जो इससे धुआं होगा ना उससे भी सारे कीड़े मकोड़े घर के बाहर हो जाएंगे, और इसके धुएं से ना घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाती है। तो ये देखिए मैंने कितने सारे आपको टिप्स शेयर किए। इसके बाद कुछ सावधानी हमें रखनी है, तो वो सावधानी क्या है, घर के बाहर जो नालियाँ होती ना उसकी बराबर से हमें साफ सफाई करना है और उनमें दवाइयों का छिड़काव करना है जिससे इसकी गंदगी से ना कीड़े मकोड़े हमारे घर में ना आए। और जो वाशबेसन होती ना किचन में या बाथरूम में, उसमें यदि बराबर से हम दवाई डालते रहेंगे ना तो इससे भी ना कीड़े मकोड़े घर में नहीं आएंगे। कमोड में भी इस तरीके से दवाई डालते रहेंगे तो इसकी खुशबू से कीड़े मकोड़े घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, आज मैंने आपके साथ कितने सारे आइडियाज शेयर किए हुए हैं काकरोच कीड़े मकोड़ों को भगाने के। इसके बाद ना कुछ बाजारू तरीके हम आपके साथ शेयर करते हैं। बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनका यूज करके भी इन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। तो हिट है या जेल है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। इनसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही कीड़े मकोड़े या कांकरों से छुटकारा मिलता है, उसके बाद जब इसकी खुशबू खत्म हो जाती है तो ये दोबारा से घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो फ्रेंड, जो घरेलू उपाय मैंने आपको बताए हैं ना, यदि आप एक बार उनको फॉलो करेंगे ना तो यकीन मानिए मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपके घर में कभी भी कीड़े मकोड़े कांकरों छिपकलियाँ प्रवेश नहीं करेंगे, आपके घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो फ्रेंड बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स, यदि अच्छी लगी हो ना, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।